पंचायत भवन सभागार में जिला कृषि विकास औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तहत आयोजित विचार गोष्ठी में राष्ट्र निर्माण में साहित्य एवं पत्रकारिता का योगदान विषय पर चर्चा हुई। इस गोष्ठी में मुख्य अभ्यागत के रूप में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली में मास कम्युनिकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारिता देश को आजादी दिलाने के लिए मिशन था, लेकिन आज भूमंडलीकरण के दौर में पत्रकारिता धीरे धीरे व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रही है, जिसका दुष्परिणाम हमें पेड न्यूज और इच्छा अनुसार न्यूज ट्रेडिंग के रूप में देखने को मिल रहा है। आईएफटी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार शुक्ल ने कहा, पत्रकारिता महज एक व्यवसाय नहीं है, उसका कार्य केवल सूचना उपलब्ध कराना भी नहीं है, उसका दायित्व जनचेतना जागृत करना है और ये जिम्मेदारी मीडिया को समझनी होगी। गोष्ठी का संचालन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार व डॉ. मनोज रस्तोगी ने पत्रकारिता दिवस का उल्लेख करते हुए मुरादाबाद की पत्रकारिता के इतिहास और परंपरा के संदर्भ में प्रकाश डाला। सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं गजल अकादमी के सचिव कशिश वारसी ने कहा कि मुरादाबाद की सूफी अंबा प्रसाद ने आजादी की लड़ाई में अपनी कलम को हथियार बनाया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. अजय अनुपम ने मुरादाबाद के साहित्यकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साहित्यकार एवं शोधार्थी दुष्यंत बाबा ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि पौराणिक काल से वर्तमान तक साहित्य और पत्रकारिता ने जनमानस की चित्त वृत्तियों को प्रभावित करते हुए राष्ट्र संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदर्शनी प्रभारी राहुल शर्मा ने प्रदर्शनी में आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। जिला सूचना अधिकारी आशीष सिंह ने पत्रकारिता दिवस पर आज की गोष्ठी के उद्देश्य व उपादेयता पर विचार व्यक्त किए। आभार जिला कृषि अधिकारी एवं प्रदर्शनी सचिव ऋतुषा तिवारी ने व्यक्त किया। गोष्ठी में मुख्य रूप से गोपी कृष्ण, योगेंद्र वर्मा व्योम, श्री कृष्ण शुक्ला, अशोक विश्नोई, फक्कड़ मुरादाबादी, मनोज मनु, हरिप्रकाश शर्मा, डॉ. प्रीति होंकार, मीनाक्षी वर्मा, इंदु रानी, अशोक विद्रोही, डॉ. नरेंद्र सिंह, संतोष गुप्ता, रईस शेख, डॉ. प्रदीप शर्मा, राशिद सिद्दीकी, उमेश लव, SS नकवी, मनोज कुमार, योगेश तरेहा, श्रीपाल राणा, धवल दीक्षित, गौरव चक्रवर्ती, मुजाहिद चौधरी, वीरभान सिंह, राहुल श्रीवास्तव, इंद्रपाल, काजल सैनी, शुभम शर्मा, दीपक, अजय, मोहित कौशल, SP शर्मा, कुमार देव, विनय गुप्ता आदि साहित्यकार एवं पत्रकार मौजूद रहे। उपस्थित श्रोतागण जो स्वयं में अनेक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं प्रणाम करता हूं मंच पर आसी कशिश वासी जी, मुरादाबाद की प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आदरणीय डॉक्टर हरवंश दीक्षित जी, मुरादाबाद की भूमि को आज अपनी उपस्थिति से पावन करने वाले, धन्य करने वाले हमारे अतिथि विद्वान मित्रों, मुरादाबाद के इतिहास के संदर्भ में आप सब कुछ न कुछ जानते हैं और आप सबसे ही कुछ लेकर मैंने कोशिश की कि एक स्थान पर मुरादाबाद का इतिहास संकलित कर सकूं, मुझे उसमें